गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागॉजी और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक की समीक्षा की जाती है उसके बारे में जानेंगे। एक शिक्षक होने के नाते हमको इस बात को समझना होगा, जानना होगा कि एक आदर्श पाठ्य पुस्तक के क्या अंदर खूबियां होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए। वो तब हम जब तभी जा सकते जब हमको पाठ्य में हमको समीक्षा करना आता हो, यानी कि उस पुस्तक के बारे में जान सके। ये कुछ बातें हैं जो हमको समझ आ सके। तो हम पाठ्य पुस्तक की समीक्षा किस तरीके से करेंगे, किस तरीके उसके बारे में जानेंगे, तो आज हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के संदर्भ में इसको डायग्राम समझते हैं हम। पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की जो समीक्षा की जाती है वो किस आधार पर जाती है? सबसे पहले आयु स्तर, दूसरा उसका आकार, तीसरा कवर चित्र, चौथा प्रकाशन सामग्री। अगला संगठन, उससे अगला प्रस्तुति, उससे अगला आ जाता है उदाहरण, उससे अगला मानचित्र, अगला अभ्यास प्रश्न, नेक्स्ट संदर्भ सूची, एंड अगला इन लास्ट है परिशिष्ट विशेष। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम है पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के संदर्भ में, कि हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करते हुए चलें। सबसे पहले आयु स्तर आ जाता है, सेकेंड आकार आ जाता है, तीसरा उसका कवर चित्र, चौथा प्रकाशन सामग्री, फिफ्थ है संगठन, सिक्स प्रस्तुतिकरण, सेवंथ उदाहरण, एट मानचित्र, नाइन्थ अभ्यास प्रश्न, टेन संदर्भ सूची, एंड इलेवन विशिष्ट एवं विशेष सूची। सबसे पहले आयु स्तर, किसी पाठ्य पुस्तक समीक्षा उसकी आयु के स्तर से की जाती है, यानी कि वह किताब जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वह माध्यमिक स्तर की, उच्च माध्यमिक स्तर, कोई भी लेवल की किताब हो, वह किताब क्या बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है, बच्चों के स्तर के हिसाब से है, क्या वह स्तर के अनुरूप लिखी गई है, ये सब बातें जानते हैं। अगर उसकी भाषा शैली, उसका कंटेंट, सारी चीजें आयु स्तर के हिसाब से है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, बच्चों के लेवल और उसके स्तर के हिसाब से उस पाठ्य पुस्तक को लिखा गया है। पहली चीज, सेकेंड आकार, एक आदर्श पाठ्य पुस्तक वही है जिसका आकार सही हो। तो आदर्श पाठ्य पुस्तक का जो बेहतरीन आकार है वो आयताकार माना जाता है, यानी कि आयताकार आकार वाली पाठ्य पुस्तक सही होती है। तो पाठ्य पुस्तक का आकार कैसे है? पाठ्य पुस्तक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको देख करके बच्चों के मन में कोई शंका उत्पन्न हो, तो पुस्तक का आकार उनको काफी प्रभावित करता है, तो आयताकार आकार वाली पुस्तक होनी चाहिए। कवर चित्र, पुस्तक का जो कवर चित्र वो कैसा है? कवर चित्र इफेक्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐतिहासिक पाठ्य पुस्तक है, तो ऐतिहासिक पाठ्य पुस्तक के अंदर जो चित्र है, विभिन्न जो जो विभिन्न सम्राट हुए उनके चित्र अंकित हो जाने चाहिए, राजनीति है तो संविधान का या राष्ट्रपति को का चिन्ह होना चाहिए, अलग अलग संदर्भ जिस पुस्तक के उसके समय चित्र होना चाहिए, ताकि उससे उसकी प्रभावशीलता वहां पर बन जाती है। प्रकाशन सामग्री, प्रकाश सामग्री दो आ जाते हैं, एक तो आ जाता है इसका लेखक
और सेकंड आ जाता है प्रकाशक, एक आ जाता है लेखक और एक आ जाता है प्रकाशक। प्रकाशन शामिल, उसका लेखक कौन है, उसका पब्लिशर या प्रकाशक कौन है, पब्लिशर का कौन है, ये दोनों चीजें उसमें मेंशन करी हुई है कि नहीं है, इस चीज के आधार पर हम उस पाठ्यपुस्तक की समीक्षा को करते हैं। उसमें नेक्स्ट आ जाता है संघन, पाठ्यपुस्तक का संघन कैसा है, संघन यानी कि विषय वस्तु को किस तरीके से संकेत किया हुआ है, कंटेंट किस तरीके से, ये सारी बातें उसको हम लेते हुए चलते हैं। पाठ्यपुस्तक का संकलन, पहला पाठ किस तरीके से, उसके आगे किस तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या हुआ है, उस पाठ को किस तरह से लिंक करा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें हम जानेंगे। प्रस्तुतिकरण, उस पाठ्यक्रम की प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण किस तरह से प्रभावशीलता कैसे, पाठ्यपुस्तक का प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुतिकरण बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है, उसकी भाषा सरल और स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रस्तुतिकरण कैसे होनी चाहिए, प्रभावशीलता वाली होनी चाहिए। उदाहरण, पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत कंटेंट को समझाने के लिए तो उसके साथ एग्जाम्पल्स उदाहरण भी मेंशन होनी चाहिए, ताकि उदाहरण के माध्यम से उसको अच्छे से समझ सके। तो पाठ्यपुस्तक के क्या उदाहरणों का समावेश है और उदाहरण किस तरीके से लिए गए, ये चीजें हम आपस समझते हुए चलते हैं। तो उदाहरण आ गया मानचित्र, मान लो अगर उसके अंदर संबंधित मानचित्र है, इतिहास इतिहास से प्रतिहास से संबंधित मानचित्र है विषय समझाने के लिए, तो किस तरीके से हम मानचित्र भी देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, प्रत्येक विषय वस्तु पाठ को पढ़ाने के बाद क्या अंत में अध्याय प्रश्न दिए गए हैं, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीबीएसई आरबीएसई की जो किताबें होती है उसमें तो होता ही होता है, क्योंकि अभ्यास प्रश्न होता है, लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से अभ्यास प्रश्न किस तरीके से दिए गए हैं, इस बात को हम समझते हैं। संदर्भ सूची, पाठ्य पुस्तक में जो कंटेंट लिए गए हैं क्या वो कंटेंट रेफरेंस वाले हैं, यानी संदर्भ सूची है, उसमें संदर्भ सूची शामिल है, वो कहाँ से लिए गए, किस तरीके से क्या उन्होंने मेंशन करे हुए, तो ये चीज भी जानते हैं। परिशिष्ट विशेष सूची जो होती है, ये किस तरीके से विशेष सूची आगे कुछ मेंशन करी हुई प्रशिक्षित तौर पर क्या क्या करते हैं। तो इस तरीके से ये है पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के संदर्भ में बिंदु, जिसके आधार पर हम जान पाएंगे एक आदर्श पाठ्य पुस्तक को हम आयु स्तर के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से, उसके चित्र के हिसाब से, उसकी प्रकाशन सामग्री, उसके संगठन, उसके प्रस्तुतिकरण, उसके उदाहरण, उसको मानचित्र के आधार पर, अभ्यास प्रश्न के आधार पर, संदर्भ सूची के आधार पर, प्रश्न विषय के आधार पर उसका अवलोकन करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की राजनीति विज्ञान की किसी पाठ्य पुस्तक का की समीक्षा कीजिए, तो हमको इसके आधार पर करते रहना है। तो ये था हमारा आज का पाठ्य पुस्तक की समीक्षा के संदर्भ में टॉपिक। अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक बोर्ड की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की समीक्षा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, जिसमें हमने असाइनमेंट दी थी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की समीक्षा किस तरह से की जाती है, जो आज मैं बिंदु वाइज समझा, तो हम किसी भी किताब को लेकर उसके बारे में समीक्षा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको असाइनमेंट करना है। फ्रेंड्स, कोविड से हमें सावधानी के साथ रखें, इसके बच्चा कुछ मिनट पर कड़ी से पता करें। थैंक यू।